आज आप देख रहे हैं हमारा लो फैट कुकिंग स्पेशल। भाई फैट लो है लेकिन जो स्वाद है वो भरपूर है, टेस्टी डिलिशियस एपिसोड। अब घर में जो सब्जियां बनती हैं उसमें समझ नहीं आता क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो चलिए करी बनाते हैं और वेजिटेरियन। और जो इसमें चीज़ें डालनी हैं वो क्या क्या हैं, देखिए ज़रा प्याज चाहिए इसमें, और प्याज जो है वो मुझे चाहिए थोड़ा मोटा मोटा कटा हुआ, तो ये लीजिए। अब इसमें डाल देते हैं हम तेल, थोड़ा सा तेल, और इसमें डाल देते हैं हम राई, मस्टर्ड सीड्स, और उसके साथ साथ इसमें ये ढेर सारी करी पत्ते। करी पत्ते के साथ साथ प्याज इसके अंदर। और ये जो रेसिपी है ये है पम्पकिन की, ये देखिए ये पम्पकिन है, इसके छोटे टुकड़े काटे हुए हैं और इसमें जो छिलका है वो लगा हुआ है। तो ये जो पम्पकिन है ये भी इसके अंदर धोकर छिलका इसी में ही रहने देंगे और इसे पकने देते हैं। और मुझे चाहिए इसमें अदरक, अदरक के भी स्लाइस काटने, तो ये अदरक ये काट लिया। ऐसे अदरक मुंह में आए तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको क्रश करके या ग्रेट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अदरक इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें हरी मिर्च, इसमें हम डाल देते हैं नमक, नमक स्वाद अनुसार। और देखिए नमक जो है हमने डाल दिया तो इसकी वजह से ये पकेगा भी जल्दी। ये डालकर जरा इसे ढक देते हैं। और मुझे चाहिए इसमें पालक, और पालक को श्रेड करना है, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं। और ये मेरे पास, ये लीजिए लेमन, नींबू का छिलका ग्रेट किया हुआ, ये डाल दिया इसके अंदर। इसमें थोड़ी सी हल्दी, उसके साथ साथ जीरा पाउडर, और इसे पकने देते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा डालते हैं दूध। जी हाँ, ये जो दूध है ये मैं सोया मिल्क डाल रहा हूँ, ये लीजिए। तो ये सोया मिल्क मैंने डाला, और उसके साथ साथ इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, स्टॉक डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा डाल देते हैं हम, और अब इसे पकने देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं क्या हाल है इसका, पम्पकिन का। इसमें पम्पकिन जो है वो पक गया है या नहीं, अरे वाह, पम्पकिन एकदम गल चुका है, बस वैसा ही चाहिए हमें। ये देखिए आराम से ये पक चुका है। और अब इसके अंदर हम डालते हैं ये पालक, और अब इसे कवर नहीं करेंगे पालक डालने के बाद। और उसके साथ साथ इसमें डालें ये पम्पकिन सीड्स, रोस्टेड पम्पकिन सीड्स, थोड़ा नटी टेस्ट देने के लिए इसमें। और अब इसे मिक्स कर दें, और बस करीब 4-5 मिनट तक इसे और पकाएं। ये जो सोया मिल्क डाला है उसकी वजह से थोड़ी इसमें मिठास आ जाती है, और पालक और पम्पकिन का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अच्छा लगता है इस रेसिपी में। तो आप इसको बना के देखें घर में, और फिर आप देखेंगे कि पहले ऐसी रेसिपी आपने क्यों नहीं बनाई थी। तेल एकदम कम है, लो फैट रेसिपी, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 20 पालक के पत्ते कटे हुए, 200 ग्राम भोपला कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच राई, 10 करी पत्ते, 2 प्याज चौकोर टुकड़ों में कटी हुई, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ,
तीन हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच नींबू का छिलका ग्रेट किया हुआ, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा कप सोया मिल्क, दो कप वेजिटेबल स्टॉक और एक बड़ा चम्मच पम्पकिन सीड्स भुने हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें राई, करी पत्ते, प्याज और भोपला डालकर करीब 2 मिनट तक भुने, फिर इसके अंदर अदरक, हरी मिर्चें और नमक डालकर इसे ढककर करीब 2 मिनट तक पकाएं। अब नींबू का छिलका, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर मिक्स करें। इसके साथ इसमें सोया मिल्क और वेजिटेबल स्टॉक डालकर इसे भोपला गलने तक पकाएं। फिर पालक और भुने भोपले के बीज डालकर एक बार फिर इसे 4-5 मिनट तक पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें।